अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं फ्राइड चिकन सैंडविच। ये स्पेशली बच्चों के लिए, आप बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। साथ में चीज़ भी होगा और चिकन भी होगा और ब्रेड भी होगी। क्या कमाल का ये सैंडविच बनने लगा है। तो उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, चिकन का कीमा लिए हमने 250 ग्राम, मायोनीज लिए हमने 4 टेबलस्पून, नमक लिए हमने 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर लिए हमने 1/2 टीस्पून, मोज़ेला चीज़ दिए हमने 1/2 कप, बिल्कुल इस तरह हमने क्यूब्स में से काट लिया छोटे छोटे, काली मिर्च का पाउडर लिया 1 टीस्पून, लहसुन पाउडर लिया 1 टीस्पून। फ्राइड चिकन सैंडविच को और भी ज़्यादा लाजवाब बनाने के लिए हम इसमें इस्तेमाल करेंगे चिंगरेला की सीजनिंग्स, जिसमें हम लेंगे चिंगरेला का लेमन जूस 1 टीस्पून, विनीगर लेंगे हम 1 टीस्पून, चिली सॉस लेंगे 1 टीस्पून और चिंगरेला का सोया सॉस लेंगे 1 टीस्पून। एक पैन लेंगे, फ्लेम हमने ऑन कर लिया, पैन को गर्म कर लिया। अब इसमें हम डाल देंगे ऑयल, ऑयल हम इसमें लेंगे 4 टेबलस्पून। ऑयल डाल दिया और अब हम इसमें डाल देंगे चिकन का कीमा। कीमे को फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए चिकन हमने अच्छे से फ्राई किया है ऑयल डाल के, तो चिकन हमारा फ्राई हो चुका है, इसका कलर भी चेंज हो गया। अब इसमें हम डालेंगे नमक, लहसुन पाउडर, अगर पाउडर नहीं है तो एक जवा लहसुन का ले लें और उसको छोटा छोटा काट लें। अब इसे मिक्स कर लेंगे और अब इसमें हम डालेंगे चिंगरेला का लेमन जूस और साथ इसमें डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर, मिक्स करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे पकने देंगे। तकरीबन 1/2 कप हमने इसमें पानी डालना है। कीमा थोड़ा सा गल जाए, वैसे ये चिकन का कीमा ये जल्दी गल जाता है, लेकिन फिर भी हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे हम 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए पानी खुश्क हो चुका है और चिकन अच्छे से फ्राई भी हो चुका है और इसने ऑयल भी छोड़ दिए। और अब हम इसमें डालेंगे शिंगरेला का विनीगर, सोया सॉस, चिली सॉस और मिक्स कर लेंगे। और इसमें डाल लेंगे काली मिर्च का पाउडर। मिक्स करेंगे। और फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे साइड पर कर देंगे। अब एक बोल में हम चिकन को निकाल लेंगे। और ये देखें अब इसमें हम डाल देंगे मायोनीज, मिक्स कर देंगे। ये बहुत ही मज़े के सैंडविच बनने लगे हैं। तो आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसमें मोज़रेला चीज़ डाल देंगे। तो फिलिंग हमारी ठंडी हो चुकी है, अब इसमें हम मोज़रेला चीज़ ऐड करके मिक्स कर लेंगे। मिक्स करेंगे तो ये देखिए ये मिक्स हो चुका है, इसे हम साइड पे कर देंगे और सैंडविच रेडी करेंगे। तो अब हम रेडी करते हैं फ्राइड चिकन सैंडविच। तो उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, ब्रेड के स्लाइस लिए हमने 12 अदद और चिकन की जो फिलिंग है वो मैंने आपके सामने रेडी की है। अंडे लेंगे हम 2 अदद, सलाद के पत्ते लेंगे चंद और ब्रेड क्रम्स लेंगे हम हसबे ज़रूरत। तो ये चीज़ें चाहिए हमें फ्राइड चिकन सैंडविच के लिए। तो अब हम रेडी करते हैं। अब इन सारी ब्रेड के स्लाइस को हम कटर से काट लेंगे। अगर आपके पास कटर है तो आप कटर ले लें, तो इस तरह का ग्लास है तो वो भी ले सकते हैं। तो मैं इससे काटूंगी। तो ये देखें इसी तरह काट के हम रखते जाएंगे और इसी तरह हम सारे काट लेंगे।
तो ये देखिए सारे हमने काट लिए हैं, और जो बच गया है ब्रेड के, ये देखें किनारे बच गए हैं, आप इसको ज़ाया मत करें, आप इसका ब्रेड का हलवा बना सकते हैं। तो मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ है, आप मेरे चैनल पे जाएं तो देख सकते हैं, और वैसे आपको इस वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा उस हलवे का, तो आप देख सकते हैं। अंडों को हम फेंट लेंगे। अंडों को अच्छी तरह से हमने फेंट लिया। अब एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे। सबसे पहले हम इस पर रखेंगे ये सलाद का पत्ता, और अब इसके ऊपर हम डालेंगे ये फिलिंग जो हमने रेडी की हुई है। चाहो तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हो, ये बहुत ही मज़े के हैं। हो गया। अब दूसरा रखेंगे और इसको इस तरह से प्रेस करेंगे। ये जो सलाद का हमने पत्ता डाला है, इसको अंदर भेज देंगे इस तरह हाथ से। हो गया। अब इसे हम अंडे में कोट करेंगे। इस तरह से दबा देंगे कोट करने के बाद। अंडे में कोट कर लिया। अब हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। ये एहतियात रखें जो इसकी साइडें हैं ये खुले ना, इनको अच्छी तरह से आप कोट करें। तो देखें ये हो गया, और इसी तरह हम सारे कर लेंगे। तो सारे सैंडविचेस रेडी हैं फ्राई होने के लिए। अब इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। तो एक पैन ले लिया, पैन में हमने ऑयल डाल दिया। ऑयल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया। ऑयल मीडियम गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा गर्म होगा तो जो हमारे ब्रेड क्रम्स हैं ना वो जल जाएंगे। तो ऑयल हमारा गर्म है, तो अब गर्मा गर्म ऑयल में हम ये डाल देंगे। बस हमने इनको गोल्डन ब्राउन कलर देने और निकाल लेने हैं। तो अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो ये देखें, तो जैसे जैसे ये फ्राई हो रहे हैं एक तरफ से, तो हम इनकी साइड चेंज कर रहे हैं। तो ये रेडी हैं, अभी नहीं हम निकाल लेंगे। तो ऑयल को निकाल लें। तो अब मैं आपको सैंडविच तोड़ के दिखाऊंगी। तो ये देखें, तो ज़बरदस्त से हमारे फ्राइड चिकन सैंडविच रेडी हैं। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें, और इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये फ्राइड चिकन सैंडविच की रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही मज़े के बने हैं। तो अगर आपको ये टेस्टी सा फ्राइड चिकन सैंडविच की रेसिपी अच्छी लगी है, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करके इसकी पिक्चर में इसे शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, और इस बटन पर क्लिक करके किचन नामना चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस बटन पर क्लिक करके लास्ट नामना चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज़।